श्रीमद् भागवत का अंत कहां जाकर के होगा? वैसे तो अंत नहीं है, अनंत है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत किस लक्ष्य तक हमको पहुंचाती है? बोले वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से जब तक संबंध नहीं हो जाए तब तक भागवत की सन्निधि छोड़नी नहीं चाहिए, भागवत की सन्निधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे ही ठाकुर जी अपने हो जाए तो फिर तो तुम स्वयं भागवत हो जाओगे। जब तक लाल जी ना मिले तब तक भागवत की सन्निधि में रहो। हमारे पूज्य नाना जी श्री किशन लाल शास्त्री जी, उनके द्वारा दिया गया एक पद और वो वरदान प्राप्त पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। श्री चतुर्भुज दास जी के द्वारा गाया गया ये पद, ये साक्षात श्रीनाथ जी ने इस वर को, इस पद को वरदान दिया है। जो भी इस पद की सन्निधि लेगा, जो भी इस पद का निरंतर गान करेगा, जो भी इस पद को रोज बोलेगा, उसको मेरी प्राप्ति जरूर होगी। और आप जिन गिरधर लाल जी के उत्सव में आए हैं, ये इसी पद की देन है मुझको। मैंने ये पद गाया और इस पद के गायन का ही प्रभाव, इस पद का ही ये प्रभाव कि श्री लाल जी गोद में आकर के खेलने लगे। ये पद मैंने पहले गाया था, इस पद के गायन के लगभग एक वर्ष बाद ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी स्वयं पधारे। ना हमारी माता जी को पता था, ना पिताजी को, ना परिवार को। श्रीनाथ जी दर्शन करने गया, लौट के आए तो ठाकुर जी साथ पधारे। इस पद के ही द्वारा, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता किसी वैष्णव ने मुझको प्रदान किए या ठाकुर जी स्वयं चल करके आए। नाना जी की वो बात स्मृति में आती है कि इस पद को वरदान है, ठाकुर जी कहते हैं जो भी गाएगा मेरी प्राप्ति जरूर करेगा। तो मुझे तो वही लगता है, उस पद की कृपा से ही ठाकुर जी आए। वह गोप गीत है कलयुग का, जिस प्रकार द्वापर में गोपियों ने गीत गाया, ठीक उसी प्रकार एक गोप ने कृष्ण मिलन की कामना से एक गोप गीत गाया, वही है गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो भागवत की सन्निधि तब तक मत छोड़ो जब तक श्री लाल जी का सानिध्य प्राप्त ना हो जाए, श्री ठाकुर जी का मंगल स्वरूप तुमको दिख ना जाए। आप कहोगे आपको तो मिल गए ठाकुर जी, अब भी भागवत की सन्निधि में। अरे तो केवल मुझे मिले हैं, सबको मिल जाएं उस भावना से भागवत की सन्निधि में, सबको प्राप्त हो वो कृपा, वो सेवा, वो सबको मिले जो जो इस दास को प्राप्त है। हम उत्सव का प्रारूप केवल इसलिए नहीं रखते कि आप लाल जी का दर्शन करने आओ, मैं इसलिए भी उत्सव करता हूं कि युवा जुड़े हुए हैं भक्ति पद से, वो लाल जी की सेवा देखें तो उनके मन में भी भाव आवे कि हम भी ऐसी सेवा करें, हम भी ऐसा उत्सव करें, हम भी ऐसे ठाकुर जी को, किसी प्रेरणा की भावना से ही सही, लोग कम से कम ठाकुर जी को स्वीकार तो करेंगे, अंगीकार तो करेंगे। तापत्रयोन्मूलनम्, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। भगवत शरणागति होने के बाद किसी भी प्रकार का ताप वैसे लगता ही नहीं है। मीराबाई को देख लो, श्री कुम्मन दास को देख लो, सूरदास को देख लो, किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार के ताप से कोई कष्ट हुआ नहीं होता। क्यों? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, जब कृष्ण ग्रह लग जाता है ना हमारी कुंडली में, कोई कहते हैं क्या चल रहा है, बोले शनि की साढ़े साती चल रही है, कोई कहते हैं क्या चल रहा है, बोले सूर्य की महादशा चल रही है, गुरु ऐसे चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, सब ज्योतिषी आदि कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जिसकी कुंडली में कृष्ण ग्रह लग गया उसको कोई और दूसरा ग्रह सता नहीं सकता, उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। मीराबाई की कुंडली यदि देखने के लिए बैठे तो उनके दुख के प्रारूप देखें तो महाराज उनकी कुंडली में जितने दुख होंगे मुझे लगता है उनके सारे नक्षत्र बिगड़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी मीराबाई को किसी भी प्रकार का कष्ट उनके हृदय को नहीं होता था। क्यों? कृष्ण ग्रह खड़ा है। सूरदास जी की कुंडली उठावे तो जन्म से ही उनका एक नक्षत्र खराब था, क्या देख ही नहीं सकते किसी को, जन्मांध थे। कुछ समय बाद परिवार ने भी परित्याग कर दिया श्री सूरदास जी का, लेकिन ऐसी स्थिति के बाद भी सूरदास जी सदा प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह खड़ा है सामने।
आप किसी भी भक्त को उठा लीजिए, किसी भी भक्त के चरित्र को सुन लीजिए, सबके यदि आप ग्रह नक्षत्र देखने बैठोगे तो सबके ग्रह नक्षत्र डामाडोल हैं, लेकिन उन ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए लालजी सामने खड़े हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं इस बात को, बोले तेरा कौन सा ग्रह चल रहा है, तुझ पे कौन सा नक्षत्र चल रहा है जो तू मरता नहीं है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीश्वर, मुझे कृष्ण ग्रह लगा है, मेरे ऊपर कृष्ण ग्रह चल रहा है। किसी पे शनि साढ़े साती चल रही होगी, मुझ पे तो कृष्ण की साढ़े साती चल रही है। ये बात श्री प्रहलाद जी कहते हैं। तो तापत त्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करती भागवत। ऐसा नहीं, ताप तो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन कृष्ण शरणागति का यह प्रभाव है कि कष्ट का अनुभव नहीं होगा, वो कष्ट पता नहीं चलता। कष्ट आने बंद नहीं होंगे, कष्ट तो आएंगे, दुख तो आएंगे, लेकिन उन दुखों का, उन कष्टों का जितना प्रभाव होना चाहिए वो होगा नहीं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदि वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत सुनने के लिए आप लोग बैठे हो, लेकिन भागवत तो कृपा तब से ही शुरू कर देती है जब आप कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर देते हो। आपको पता चला कि अब कथा होने वाली है, कथा सुनने के लिए आओगे, यहां बैठोगे, तब भागवत जी की कृपा होगी। ऐसा नहीं, भागवत मुझे सुननी है, घर बैठे बैठे केवल इतनी इच्छा भी प्रकट कर दी ना, भागवत जी तभी हृदय में भगवान को प्रकट कर देती है। ऐसी भागवत की मंगलमय कथा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। पिवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को पियो। पिवत, कथा तो सुनी जाती है, पीने को क्यों कहा जा रहा है? सुनी हुई वस्तु की विस्मृति हो सकती है, लेकिन पी हुई वस्तु का असर जरूर होता है। सुनी हुई बात विस्मृत हो सकती है, लेकिन सेवित की हुई बात, सेवित की हुई वस्तु, उसका असर तो होगा। धतूरे का नाम सुनने से नशा नहीं होगा, धतूरा खा लिया तो नशा हो जाएगा। मद्य का श्रवण करने से नशा नहीं होगा, मद्यपान करने से नशा होगा। औषधि का श्रवण करने से आपका रोग दूर नहीं होगा, औषधि का पान करने से रोग दूर होगा। ठीक उसी प्रकार कथा श्रवण करने से कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, कथा पीने से कृष्ण प्रकट होंगे। पियो, और कैसे पियो? बोले श्रवण पुटेशु संवृतम, एक क्षण के लिए भी मेरे से एक शब्द भी रह ना जाए, इस प्रकार से कानों से पियो। पिवत भागवतम। अच्छा एक बात बोलूं, श्रोता बनना सीखो तो श्री जगन्नाथ जी से सीखो। श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित जो गीत गोविंद है, जब गीत गोविंद का कोई व्यक्ति गायन करता है, पाठ करता है, तो श्री भक्तमाल जी में नाभा जी ये भाव कहते हैं, गीत गोविंद का गान करने वाले को राधा रमण जी जरूर प्रकट होते हैं श्रवण करने के लिए। वो छप्पे मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, नहीं कल मैं जरूर सुनाऊंगा, भक्तमाल जी लेके आऊंगा। वहां स्पष्ट लिखा है, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे, इस प्रकार वो छप्पे हैं। जो भी गीत गोविंद का गायन करता है राधा रमण जी जरूर आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि श्री गीत गोविंद का गान एक मुस्लिम व्यक्ति करता था, और जब कभी भी वो गीत गोविंद गाता था
तो गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी उसके सामने बैठ जाते, जहां कहीं भी गाता था ठाकुर जी उसके सामने आ जाते थे। एक दिन वो अपना नियम कुछ करने में थोड़ा विलंब हो गया, उसको कहीं निकलना था, गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाया, तो घोड़े पर बैठ कर के अपने मार्ग को जाने लगा और सोचने लगा अब क्या करूं, तो घोड़े पर बैठे बैठे ही गीत गोविंद गा देता हूं। जैसे ही घोड़े पर बैठे बैठे उसने गीत गोविंद गाना शुरू किया तो बंधुओं ऐसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, घोड़ा दौड़ रहा है, भक्त उस पर बैठ करके गीत गोविंद का पाठ कर रहा है और उस घोड़े के सामने उस भक्त की तरफ मुखमंडल कर करके श्री राधा रमन लाल जी अपनी दोनों भुजाएं उठा करके गीत गोविंद सुनते हुए उल्टे दौड़ रहे और आगे आगे वो घोड़ा लेके दौड़ रहा है। इतने प्रेमी हैं ठाकुर जी अपने भक्त के द्वारा की गई रचना को श्रवण करने में। मोहर हो रसिका भूवि भाव का, कथा के रसिक बनना चाहो तो ठाकुर जी से सीखो कैसे रसिक हैं ठाकुर जी। ता सुनवे राधा रमन अवस पधारे, वाह। इस भागवत की कथा को सुनो मत पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, और कब पियो, मुहुर हो रसिका भुवि भाव का, निरंतर पीते रहो। इसकी कोई अवधि नहीं है, इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई काल नहीं है, जब तक तुमको श्रवण में रुचि बने तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भाव का, निरंतर श्रवण करो। नैमिषे अनमिश्चेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, तभी सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से उन्होंने 6 प्रश्न पूछे, किम श्रेय शास्त्र सारह का स्वतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गत। इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा है। 6 प्रश्नों को सुनते ही श्री सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी पुरुषों का परम धर्म क्या है, यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की भक्ति, और कैसी भक्ति, अहै तुक्य प्रतिहता, अहै तुकी भक्ति, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसी ठाकुर जी की अहितु की कृपा हम पर है वैसी अहितु की भक्ति हमारी ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए, जिसमें कभी खंड ना हो, जो कभी रुके ना, जो तैल धारावत मधु धारावत ठाकुर जी के चरणों में अर्पित होती रहे, ऐसी भक्ति ठाकुर जी के चरणों में करनी चाहिए। कभी कभी मन में भाव आता है कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं कि ठाकुर जी भक्तों के भक्त हैं, क्योंकि कई क्रियाएं लाल जी ऐसी करते हैं तो मन में भाव आता है कि हमारी भक्ति में शायद कमी है, कभी कभी लगता है लाल जी ही हमारे कहीं भक्त तो नहीं, वैष्णवों के भक्त तो नहीं, अहम भक्त पराधीन, भगवान में भागवत में कहते हैं ठाकुर जी मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, ठाकुर जी अपने भक्तों के अधीन है। तो देखो आप लोग ठाकुर जी की आरती उतारते हो, ठाकुर जी भी अपने समस्त वैष्णवों की आरती उतारते हैं, कैसे, सुबह प्रातः काल होते ही सूर्य रूपी ज्योति को ठाकुर जी प्रकट करते हैं और प्रत्येक मानव उस ज्योति को जब जब ग्रहण करता है, मतलब ठाकुर जी उसकी सूर्य रूपी ज्योति से आरती करते हैं। आप कहोगे हम ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित करते हैं, भोजन प्रसाद अर्पित करते हैं, सुंदर फूल पुष्प आदि अर्पित करते हैं, ठाकुर जी किसी को ग्रहण नहीं करते, आप स्वयं देखो तो मानव के चारों तरफ कितने नैवेद्य पृथ्वी से प्रकट होते हैं, कितने रत्न पृथ्वी से प्रकट होते हैं, किसके लिए प्रकट होते हैं, मानवों के लिए प्रकट होते हैं।
जितनी सब्जियां प्रकट होती हैं, जितने फल प्रकट होते हैं, जितने पुष्प प्रकट होते हैं, सब किसके लिए प्रकट होते हैं? मानवों के लिए प्रकट होते हैं। कौन प्रकट करता है? ठाकुर जी अर्पित करते हैं अपने भक्तों को। हम नैवेद्य कहां देते हैं? ठाकुर जी हमें प्रदान करते हैं। हर प्रकार की सेवा जो हम ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं, ठाकुर जी हमें भी वही रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठाकुर जी भक्त वत्सल है, और कभी कभी यह भी कह दिया जाए तो भक्त आधीन है, भक्त पराधीन है, भक्तों के भी भक्त हैं। पुरी के पास में एक स्थान है, वहां पर लाल जी का एक बड़ा मंगल स्वरूप विराजमान है, उनको कहते हैं क्षीर चोरा गोपीनाथ। उनकी बड़ी मंगलमयी कथा है। क्षीर चोरा गोपीनाथ, वैसे उनका एक मंदिर जगन्नाथ जी के परिसर में भी है। अभी पहले जब मैं गया था व्यवस्था देखने दिसंबर में, तो वहां बैठ करके गोपी गीत का पाठ भी करके आया श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में। उनकी कथा बड़ी अद्भुत, वो कैसे भक्त परायण है। क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रभु जो हैं, ये बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं, त्रेता युग के ठाकुर जी हैं, और इनका निर्माण, इनका स्वरूप निर्माण श्री रघुनाथ जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब दंडकारण वन में श्री रघुनाथ जी किशोरी जी निवास कर रहे थे, तो ऐसा भाव कहीं कहीं प्रस्तुत है कि ठाकुर जी थोड़ा उस क्षेत्र की ओर भी गए। शायद बालेश्वर में मंदिर है क्षीर चोरा गोपीनाथ जी का, तो वहां किशोरी जी के मन की एक भावना प्रकट हुई कि हे रघुनाथ जी, हमें आपकी द्वापर युग के स्वरूप का दर्शन करना है। द्वापर में आप कैसे बनकर के आओगे, हमें वह रूप देखना है। तो रघुनाथ जी ने कहा कि देखो देवी, कभी समय होगा तो मैं आपको वो स्वरूप जरूर दिखाऊंगा। तो दंडकारण्य में निवास करते हुए लाल जी, श्री रघुनाथ जी एक गुफा में जाते थे, और गुफा में एक शिला उन्होंने देखी। उस शिला को देख करके सोचे कि चलो अब हम एक किसी दिन बढ़िया सुंदर अपने द्वापर युग की कृष्ण प्रतिमा को बना करके श्री श्री किशोरी जी को दर्शन कराएंगे। और श्री रघुनाथ जी रोज जाते और अपने बाण के नुकीले भाग से उस पत्थर पर कलाकृति करते, और कलाकृति करते करते कभी केश बना रहे, कभी नेत्र बनाते, कभी नासिका बनाते, ओष्ठ बनाते, मुखमंडल बनाते, इस प्रकार अपने संपूर्ण रूप का वहां पर स्वरूप विद्यमान करने लगे रघुनाथ जी। स्वरूप को बनाते बनाते ठाकुर जी रोज एक आध घंटा बैठ करके अपना स्वरूप निर्माण करते, और फिर वन की ओर चले जाते, फिर से अपनी लीला में लग जाते। एक दिन किशोरी जी ने देखा, रोज रघुनाथ जी एक गुफा में जाते हैं और वहां जाकर के बहुत देर निवास करते हैं, वहां गुफा में क्या है ऐसा? तो राम जी आज जैसे वन में गए तो किशोरी जी उस गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में जाकर के देखा तो झाड़ फूस एक शिला के ऊपर रखी हुई थी। किशोरी जी ने जैसे उसको दूर किया तो ठाकुर जी का एक बड़ा मंगलमय स्वरूप, जिसमें अभी हाथ भी अधूरे थे, पैर भी अधूरे थे, वंशी हाथ में लगी थी, ऐसा मधुर स्वरूप उसको देख करके श्री किशोरी जी आनंद विभोर हो गए। किशोरी जी के मन में भाव आया, इतना सुंदर विग्रह मैंने पहले कभी नहीं देखा, इनकी पूजा करनी चाहिए। तुरंत पुष्प इकट्ठे किए, पुष्पों की माला बनाई, तुलसी आदि अर्पित करके और उस मूर्ति पर माला चढ़ा करके वहां चरणों में प्रणाम किया। रघुनाथ जी शायद रोज इन्हीं की अर्चना करते होंगे। रघुनाथ जी इतने में ही आए, आकर के उन्होंने देखा और किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ये आपने क्या किया? बोले, अरे देखिए ना प्रभु, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर मुखमंडल है, ऐसा लगता है मानो जैसे अत्यंत कोमल कोई ठाकुर जी का विग्रह है। ये कौन से ठाकुर जी हैं?
रघुनाथ जी कहने लगे, ये हमारे द्वापर युग का स्वरूप है। आपकी इच्छा थी ना कि आपको द्वापर युग का स्वरूप देखना है, तो मैं अपने हाथों से निर्माण कर रहा था। लेकिन अभी आपको ये सब माला आदि अर्पित नहीं करनी थी, अभी तो ये स्वरूप अधूरा है। किशोरी जी बोली, तो फिर माला आदि अर्पित करने से क्या हुआ, ये हटा करके आप अपने कार्य को पूरा कीजिए, मुझे पूरा स्वरूप दिखाइए। इनकी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है, ये तो केवल अभी शिला के स्वरूप में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव, वे एक बार जगन्नाथ यात्रा पर गए थे। गोवर्धन में निवास करते थे, गोवर्धन से जगन्नाथ यात्रा पर गए तो मध्य में ही गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा। गोपीनाथ जी का जैसे ही उन्होंने दर्शन किया और गोपीनाथ जी के प्रागट की प्रादुर्भाव की जब उन्होंने कथा सुनी, तो श्री माधवेंद्र पुरीदास इतने भाव उन्मुक्त हो गए कि नृत्य करने लगे, आनंद विभोर हो गए। तो आज भी श्री गोपीनाथ जी के रात्रि शयन भोग में 12 कुल्लड़ खीर के आते हैं, जिनको श्री गोपीनाथ जी भोग लगाते हैं। मधुराति मधुर वे ठाकुर जी का खीर भोग लगता है रात्रि में शयन के समय, और फिर वो खीर भोग जिनके द्वारा सेवा करवाई जाती है उनको वितरित कर दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी दास जी ने दर्शन किया, खूब नृत्य किया, खूब आनंद किया, भाव विभोर हो गए ठाकुर जी का दर्शन करके। सुबह से भूखे प्यासे थे, कई दिनों से गोवर्धन से पैदल यात्रा पर थे जगन्नाथपुरी के। जहां मिल जाता था, कुछ प्राप्त हो जाता था तो पा लेते थे, नहीं तो भूखे ही रहते थे। मंदिर में पधारे तो उनका भाव था कि ठाकुर जी का मुख प्रसाद तो हमको मिलेगा। लेकिन पुजारी जी ने वो प्रसाद सारे दर्शनार्थियों में बांट दिया, जिनके द्वारा प्रसाद अर्पित किया गया उनको बांट दिया। लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी अकिंचन भाव से पीछे खड़े थे, उनके पास तक प्रसाद पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, उनको मिला ही नहीं। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी दास जी ने किसी भी प्रकार का कोई भाव ऐसा नहीं कहा कि हे लाल जी हम आपके यहाँ भूखे बैठे हैं, या कोई और भाव। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, शायद हमारे भाग्य में ठाकुर जी आपका मुख का अधरामृत नहीं होगा इसीलिए नहीं मिला। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके माधवेंद्रपुरी दास रात भर कीर्तन करते रहे। पुजारी जी मंदिर बंद करके अपने घर चले गए, ठाकुर जी के सामने शयनशैया लगा दी, सब पूरा नगर सोया था। लेकिन माधवेंद्रपुरी उसी गोपीनाथ स्वरूप का मन में चिंतन करते हुए भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भूखे प्यासे। जब कोई भक्त भूखा रहता है, ब्राह्मण कोई भूखा रहता है, तो ठाकुर जी की भी भूख पूर्ण होती नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी के सामने 56 भोग अर्पित कर दिए, ठाकुर जी थोड़ा बहुत चखते हैं। वास्तव में ठाकुर जी का पेट कब भरता है, जब वो प्रसाद सब भक्तों में वितरित हो जाता है और भक्त तृप्त होकर के उसको पा लेते हैं, तब ठाकुर जी का पेट भरता है, तब ठाकुर जी का हृदय प्रसन्न होता है। यदि भोग प्रसाद ठाकुर जी के सामने अर्पित करने के बाद में किसी को ना दिया जाए, एक कोने में रखा रहे, तो यही समझना ठाकुर जी अभी भी भूखे हैं। जब वैष्णव भक्त पा लेते हैं तब ठाकुर जी का पेट भरता है। आज श्री गोपीनाथ जी शयनशैया पर लेटे, लेकिन रात भर नींद नहीं आई, कभी इधर करवट लें कभी उधर करवट लें, रात भर बेचैनी छाई है। क्या करूं, कैसे करूं, मंदिर से बाहर कैसे जाऊं, ताला लगा करके गया है पुजारी, मेरा एक भक्त भूखा बैठा है, उसकी वजह से मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। अतृप्ति के कारण श्री गोपीनाथ जी ने अपने पुजारी को स्वप्न दिया। स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हुए तो महाराज पुजारी घबरा गया, बोले लाल जी जय जय, आप कुशल तो है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई सेवा में, कोई असुविधा तो नहीं, शयन में कोई दिक्कत तो नहीं, क्या हुआ आप अर्धरात्रि में स्वप्न में पधारे। ठाकुर जी बोले भूख लग रही है बहुत जोर से। पुजारी जी बोले अब कैसे क्या करें बताओ, अर्धरात्रि का समय, मैं आकर के चूल्हा चेता करके फिर से कुछ सामग्री सिद्ध करूं आपके सामने पधराऊं, कि अभी 2-4 घंटा और थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, प्रातःकाल होते ही आपकी सामग्री सिद्ध करके दे दूंगा।
ठाकुर जी बोले, तुम दुनिया भर की सामग्री दे देना, मेरी भूख पूरी नहीं होगी। क्यों? बोले, मेरे मंदिर में आया एक वैष्णव, आज भूखा गया, उसको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे भूख लग रही है। बोले, मतलब? बोले, आज सायंकालीन शयन में एक एक बाबा महात्मा पीछे उछल उछल करके नृत्य कर रहा था। बोले, हाँ कर तो रहा था। तुमने हमारी खीर प्रसाद सब में बांटी लेकिन उनको प्रदान नहीं की। पुजारी जी बोले, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं देना भूल गया। अब कल तक इंतजार कर लें, क्योंकि शयन भोग में ही खीर आएगी, वो हम दे देंगे उनको। बोले, बाबा कल सवेरे चले जाएंगे जगन्नाथपुरी, और जब तक उनको वो खीर प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक मैं व्याकुल ही रहूंगा, मेरी व्याकुलता नहीं जाएगी। पुजारी बोले, तो फिर क्या करें? बोले, तुमको याद है कि तुमने 12 कुल्लड़ खीर बांट दी थी? बोले, और नहीं तो मुझे याद है मैंने 12 कुल्लड़ बांट दी थी। ठाकुर जी बोले, 12 नहीं, तुमने 11 कुल्लड़ बांटे थे। तो बोले, एक कुल्लड़ कहां चला गया? तो ठाकुर जी बोले, एक कुल्लड़ हमने उठा करके अपनी पीताम्बरी में छुपा लिया था, क्योंकि माधवेंद्र जी को प्रसाद मिलना था। अब जल्दी आओ, हमारा दर्शन खोलो और आकर के हमारी पीताम्बरी से वो खीर वाला कुल्लड़ ले जाओ। बाबा यहीं कहीं वृक्ष के नीचे बैठे, उनको जाकर के प्रसाद दे दो, उनको प्रसाद दोगे तब मैं तृप्त होऊंगा। पुरारी जी रात्रि में ही दौड़ करके गए, मंदिर खोला, जाकर के देखा तो श्री लाल जी के पीताम्बरी में ही एक कुल्लड़ रखा था छुपा हुआ। उसको पुजारी जी ने लिया। धन्य है, धन्य है, चोराग्रगण्यम तब हम नमामि। आपको भली रघुनाथ जी बनावे, भली सीता जी आपकी सेवा कर लें, चाहे आप कितने भी पुराने क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन चोरी की भावना आपकी जाएगी नहीं कभी। ठाकुर जी बोले, द्वापर में अपने वैष्णव ग्वाल वालों के लिए चोरी की थी, और आज अपने माधवेंद्र उस भक्त के लिए चोरी की है, जाओ दे दो उसको। उन्होंने जाकर के माधवेंद्र जी को रात्रि में खोजा, रात्रि के 2:30-3 बज रहे होंगे। वे तो नियम सेवा में थे, नेत्र बंद करके अपने मानसी में ही ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। पुजारी जी ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज आपको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, आपके लिए खीर भोग। माधवेंद्र जी बोले, ये कहां से लाए? तो उन्होंने संपूर्ण कथा बताई, तो इतने रोए माधवेंद्र जी, इतने रोए, ठाकुर जी के भाव स्वरूप का दर्शन किया, कृपा का अनुभव किया, आनंदित हो गए। और उन्होंने पुजारी जी से कहा कि अब हमारी एक बात मान लो। बोले, क्या? अब ये गोपीनाथ नहीं है, इनका नाम रख दो खीर चोरा गोपीनाथ, इन्होंने हमारे लिए छीर को चोरी किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया छीर चोरा गोपीनाथ। बोलो, छीर चोरा गोपीनाथ की। एक से एक ठाकुर जी के लीलाएं हैं महाराज, जो ठाकुर जी ने इस द्वापर, इस कलयुग में भी विद्यमान की है। ऐसे गोपीनाथ विराजमान है। अहम भक्त पराधीन, हमें जो प्रसाद प्राप्त होता है ना मंदिर में पुजारियों के द्वारा या किसी भाव से, निश्चित यही मानना चाहिए, वो प्रसाद जब ठाकुर जी के सामने रखा गया था ना भोग के लिए, उसी समय ठाकुर जी ने नियुक्त कर दिया था ये प्रसाद आज इंद्रेश दर्शन को आएगा तो उसको मिलना चाहिए, इसलिए उस प्रसाद का कभी अनादर मत करना। चेतन महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद में और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, उनको समान मानना चाहिए। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद किसी आसन पर बैठ करके नहीं पाया जाता, ठाकुर जी का प्रसाद जब आता है तो भूमि पर ही बैठ करके उसको पाया जाता है, क्योंकि वो साक्षात जगन्नाथ जी का ही रूप माना जाता है। ऐसा भाव मैंने सुना है कि जब जगन्नाथ मंदिर के कोई अनोसर हो, कोई दर्शन ना कर पाए, तो वहां के दाल भात को ही एक पत्तल पर रख करके वहां के जो सेवित लोग हैं वो दाल भात की पूजा आरती कर देते। बोले, यही जगन्नाथ जी का ही रूप है, जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है। अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन है ठाकुर जी। इसलिए भगवान की भक्ति कैसी हो? बोले, अहितु की भक्ति हो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथास्मि यः नोत्पादये दधिरतिम् श्रम एव हि केवलम्।
भगवान के चरणाश्रित न हुए, भगवान के चरणाश्रित हुए बिना यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान आदि कर्म करता है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं माने जाते। आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने कोई यज्ञ किया, आपने कोई तप किया, उसका फल क्या होगा? उसका फल ही यही होगा कि भगवान की कथा में आपकी निष्ठा हो जाएगी। आप कोई अनुष्ठान करते हैं, आप देवी का यजन करते हैं, आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन कथा में आपकी रुचि नहीं हो रही, कथा में आती आपको नींद आ रही है, झोंके लग रहे हैं और आलस से आ रहा है, तो यही समझना चाहिए हमारे द्वारा किए गए भक्ति अनुष्ठान सब व्यर्थ हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादय तदिरतम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान की कथा में रीति नहीं हुई, रति नहीं हुई, तो हमारे द्वारा किए गए जितने भी धर्म अनुष्ठान हैं सब केवल श्रम माने जाएंगे, उनका अर्थ हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। देवी का यजन करो, शिव जी का अभिषेक करो, खूब यज्ञ आदि करो, लेकिन उन सब के फल में भगवान की कथा में रति बढ़े तो ही समझना कि हमारे अनुष्ठान सिद्ध हुए हैं, हमारे अनुष्ठान सफल हुए हैं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी का उद्गम कैसे हुआ। भागवत ठाकुर जी जैसा दयालु कोई नहीं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, चाहे वो कितना भी अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, कितना भी अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी उस पर कृपा करते हैं, फिर भी उसकी मंगल कामना करते हैं। एक कथा में कभी कभी सुनाया करता हूं, श्री रघुनाथ जी कितने दयालु, संपूर्ण अवध को ठाकुर जी विमान में बिठा करके ले जा रहे थे वैकुंठ धाम, सब परिवारी जनों के लिए, सब अवध निवासियों के लिए विविध विविध प्रकार के विमान आए। ठाकुर जी का सबसे सुंदर सबसे बड़ा विमान आया वैकुंठ से, सब लोग बैठ करके जाने लगे। रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, देख के आओ अवध में कोई बचा तो नहीं ना, सब आ गए ना विमानों में बैठ गए सब। हनुमान जी ने अवध में दर्शन किया तो देखा सरजू जी के किनारे एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा है। हनुमान जी उसको लेकर के आए, बोले प्रभु ये रह गया है। राम जी बोले ये कौन है? तो भरत जी ने बताया, बोले हमारी किशोरी जी की, हमारी आचार्या की अवहेलना करने वाला ये वही व्यक्ति है जिसने किशोरी जी पर संशय किया। रघुनाथ जी बोले तुम क्यों नहीं जा रहे वैकुंठ? बोले मैं जिस विमान में बैठता हूं वो विमान उड़ता ही नहीं है, और विमान कहता है पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे, मैं क्या करूं, मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा। रघुनाथ जी को दया आ गई, बोले कि अरे बेचारा ये भी अवध का वासी है, ये भी हमारा अनुरागी है, भले ही इससे अपराध हुआ लेकिन इसके अपराध के पश्चाताप के लिए हम इसको दंड दे चुके हैं, अब इसको वैकुंठ जाने से रोकना नहीं चाहिए, अवध निवासी और अवध के सब लोग जा रहे हैं तो ये भी जाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा तुम एक काम करो, छुप करके आओ और हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ऐसे ले चलेंगे। ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे छुप करके बैठ गया। वैकुंठ में सारे विमान एक एक करके प्रवेश हो रहे थे, सब गाजे बाजे से सबका स्वागत किया जा रहा था। मुख्य विमान रघुनाथ जी का जब वहां पधारा, जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। भगवान बोले ये वैकुंठ के द्वार बंद क्यों हुए? 33 कोटि देवता खड़े थे, पुष्प वर्षण कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, सब आनंद से खड़े थे, ये वैकुंठ के द्वार बंद क्यों हैं? वैकुंठ ने प्रत्युत्तर दिया कि आपके विमान में एक अनधिकारी बैठा है, उसको वैकुंठ आने का अधिकार नहीं है, जब तक आप उसका परित्याग नहीं करोगे वैकुंठ के द्वार नहीं खुलेंगे, उसको त्यागो पहले, हमारी आचार्या की अवहेलना की है उसने। किशोरी जी लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी आचार्य है हमारी, वो बेचारा सिंहासन के नीचे से बाहर निकल के आ गया, रुदन करने लगा,
बोले प्रभु मुझे विमान लेके ही नहीं जा रहा था, मुझे तभी समझ जाना था कि वैकुंठ का अधिकारी नहीं हूं, अब मैं क्या करूं। भगवान बोले वैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी, हम कहीं और भेज देंगे तुमको, हम पे बहुत सारे लोग हैं। इंद्र को बुलाया, इसको स्वर्ग ले जाओ। इंद्र बोला क्षमा करें प्रभु, जिसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए हों उसके लिए स्वर्ग के द्वार कैसे खुल जाएंगे, हम इसको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, क्षमा करें। क्योंकि हमारे स्वर्ग में प्रवेश करने वालों में भी यह नियम है, भले ही कितना भी पुण्यात्मा हो लेकिन आचार्य अवहेलना की हो तो उसको स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं है। स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं मिला तो ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मलोक ले जाओ इसको। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले महाराज मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को ब्रह्मलोक भी नहीं लेके जाऊंगा। शिवलोक भेजने का प्रारूप बनाया रघुनाथ जी ने, शंकर जी से कहा आप इसको वहीं ले जाओ, भूतों की सेवा कर लेगा कैलाश में बैठा। भगवान बोले हाँ दे दो इसको त्रिशूल, गाड़ दूंगा इसको, मार दूंगा जान से, इसने आचार्य अवहेलना की कैसे। सब ने मना कर दिया, सारे लोगों से वर्जित हो गया महाराज। तब भैंसा पे बैठे थे यमराज जी, एकमात्र लोक बचा है बस। वो रघुनाथ जी की ओर देखने लगा, बोले प्रभु इससे अच्छा तुम अयोध्या में सरजू जी के किनारे ही बैठा रहता, कम से कम अब नरक जाना पड़ेगा मुझे। भगवान बोले हम यमराज को कह देंगे, वो तुमको दिक्कत नहीं दिया करेगा, वो तुमको कोई भी कष्ट नहीं देगा, यमदूत बन करके रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यमराज जी को जैसे ही कहा कि इसको लेकर के जाओ तो यमराज जी बोले महाराज पापियों का प्रवेश है नरक में लेकिन आचार्य अवहेलना करने वाला तो महापापी है, महापापी को नरक में भी प्रवेश नहीं। सबने मना कर दिया। तब रघुनाथ जी पूछने लगे, बोले भैया तो फिर इसको भेजें कहां, पृथ्वी से हम उठा लाए, वैकुंठ में लेगे नहीं, स्वर्ग जाएगा नहीं, ब्रह्मलोक रखेगा नहीं, शिवलोक में जा नहीं सकता, नरक इसको लेके नहीं जाएंगे तो फिर कहां भटकेगा ये, कोई तो इसके लिए प्रारूप बनाओ। ऐसी कथा आती है कि रघुनाथ जी ने क्रोध में भर करके अपनी भृगुटी टेढ़ी की और दूसरा वैकुंठ बना दिया। बोले तुम सब लोग रहो कोप में, तुम सब लोग रहो अपने गुमान में, हम इसको लेकर के दूसरे वैकुंठ में रहेंगे। अरे हमारी आज्ञा कह रहे, हम कह रहे हैं कि इसको अंदर ले लो, तुम लोग ले ही नहीं रहे हो। तब सब 33 कोटि देवता आदि सबने महाराज मीटिंग की, बोले क्या किया जाए। तब वैकुंठ राज ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु एक उपाय है। क्या? जिन आचार्य की इसने अवहेलना की वो आचार्य अपने दोनों बर्दहस्त इसके सर पर रख करके कह दें क्षमा किया, यदि वे क्षमा कर दें इसको, उनकी चरण रज को ये अपने माथे से लगा ले तो वैकुंठ के द्वार इसके लिए खुल जाएंगे। जैसे ही किशोरी जी के चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, मैं कुपुत्र हूँ माँ लेकिन आप तो कुमाता नहीं हो ना, आप तो सुमाता हो, आप कृपा करो। तब प्रेम भरी दृष्टि से आचार्य ने देखा, अपने दोनों बर्दहस्त को उस बालक के शीश पर रखा, क्षमा जैसे ही किया वैकुंठ के द्वार खुल गए, स्वर्ग के द्वार खुल गए, शिवलोक के द्वार खुल गए, ब्रह्मलोक के द्वार खुल गए, हर स्थान उसके लिए खुल गया। अब तेरी रुचि जहां हो वहां चला जा, क्योंकि आचार्य ने क्षमा किया। तो ठाकुर जी तो बड़े दयालु और किशोरी जी परम कृपालु। ठाकुर जी केवल दया करते हैं लेकिन किशोरी जी तो कृपा करते हैं। ऐसी कृपालु दयालु ठाकुर जी का मंगल में आपने यशोगान नहीं किया इसलिए आपका मन अशांत है। वेद व्यास जी आप ठाकुर जी के निर्मल यश का गान करो। कैसे करूं? बोले समाधिरानुष्मर तद विचिष्टितम, समाधि में बहुत ताकत है, समाधि लगा करके ठाकुर जी के मंगल में यश का गान करो।